नगर परिषद की सामान्य सभा की बैठक का वीडियो वायरल। नगर पालिका परिषद की सामान्य सभा की बैठक में नया बस स्टैंड कॉम्प्लेक्स निर्माण का मामला गरमाते हुए वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। नगर पालिका परिषद की सामान्य सभा की बैठक में 18 बिंदुओं पर चर्चा किए जाने का था। इस बीच बिंदु क्रमांक 6 में प्रतीक्षालय बस स्टैंड में निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स के ठेकेदार द्वारा 2 माह से काम बंद करने व कार्य में रुचि नहीं रखने का कारण ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई करने के संबंध में चर्चा की जा रही थी। वार्ड नंबर 11 के निर्दलीय पार्षद नीतू ठोक कोठरी के ने अध्यक्ष महोदय शकुंतला मंगल साहू से बस स्टैंड में निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स पर 33 दुकानों के निर्माण के लिए टेंडर होने के बाद 35 दुकानों के निर्माणाधीन दुकानदारों को बनाए जाने के मामले को उठाया। यही नए बस स्टैंड से निर्माणाधीन दुकानों में दुकानदार आवंटन में क्रमांक का घोटाला किया गया है। अपने चहेते लोगों को सड़क के सामने दुकान आवंटित की गई है और वहीं इस निर्माणाधीन दुकानों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहा है। ठेकेदार द्वारा वर्ष ऋषु के 6 महीने के बाद कार्य खत्म करने की बात कही गई थी, जो अब तक पूर्ण नहीं हुई है। चर्चा के दौरान आरोप प्रत्यारोप के दौर में वार्ड नंबर 16 के पार्षद नीतू प्रवीण राजपूत ने विपक्ष की ओर से आवाज़ उठाई। दूसरी तरफ अध्यक्ष शकुंतला साहू, विधायक प्रतिनिधि मंगल साहू एवं एंडरमैन चंद्र प्रकाश सीतलानी भी बहस में शामिल हुए। इस सामान्य सभा की बैठक का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस बात की चर्चा मुख्य नगर पालिका प्रशासन भूपेंद्र उपाध्याय ने करने पर कहा कि किसी भी विषय पर चर्चा करना या न करना है तो अध्यक्ष का विशेषाधिकार होता है। पूर्व में पारित प्रस्ताव के आधार पर निर्णय लिया जा रहा है। पालिका परिषद में बैठक हुई, उसमें किन बातों को लेकर के गर्मा गई? जो सामान्य सभा की बैठक हुई उसमें बस स्टैंड परिसर जो 6 महीने में बन के तैयार हो जाएगा ऐसा अध्यक्ष ने वादा किया था, वो आज 27 महीने हो गए, किसी को भी बस स्टैंड में दुकान नहीं मिल पाई है। और साथ ही जो 31 दुकान में परिषद की बैठक में पास हुआ था, आज वो 33 दुकान में, मतलब 2 दुकान का ऐसा घोटाला हुआ है, अध्यक्ष ने अपने चहेतों को आवंटित किया है। साथ ही गुणवत्ता के संबंध में अभी भी उसके छत से, लेंटर के छत से पानी टपक रहा है। और इसके साथ क्रम का घोटाला, ये भारत के इतिहास में पहली बार होगा जिसमें क्रम का घोटाला हुआ होगा। पैसे का घोटाला सुने होंगे लेकिन दुकानों के क्रम में घोटाला, 3 दुकानें ऐसी है जिसके क्रम को बदल दिया गया है। अध्यक्ष ने अपने चहेतों को अपने किनारे और रोड के सामने दुकान दिया है और साथ ही जो व्यक्ति जिसकी पहुंच नहीं है उनको लास्ट में दुकान दे दी है। क्या लगता है जिस तरीके से आपने प्रमुखता से बातों को, नगर के विकास की बातों को, व्यावसायिक दृष्टिकोण की बातों को हमेशा प्रमुखता से उठाते हैं, फिर भी से इन बातों को इग्नोर कर दिया? जनता को जवाब दीजिए कब तक उसे पूर्ण करेंगे। और दूसरी बात, जब मैं एक प्रश्न करा था तो उसमें अध्यक्ष पति द्वारा उस पर बहस करना ये तो संविधान के खिलाफ है। नगर पालिका के अधिनियम में नहीं है कि अध्यक्ष का कोई भी प्रतिनिधि या विधायक प्रतिनिधि पार्षदों के चर्चा में सहभागिता बने। किन बातों को लेकर के जो बात ज़्यादा बहसबाजी? मुख्यतः 2 विषय है, एक तो बस स्टैंड का सबसे बड़ा विषय है, दूसरा पालिका बाजार के अनुबंध के संबंध में है कि अभी तक आप व्यापारियों से अनुबंध क्यों नहीं कर रहे हो, अभी तक राजस्व की प्राप्ति नगर पालिका को क्यों नहीं हो रही है, तीसरा यही है कि भद्रकाली कॉम्प्लेक्स निर्माण में लेट क्यों हो रहा है, जब आपने नीलामी आरक्षण रोशन का पालन कर दिया है, नीलामी कर दिया है और उसको अभी तक तैयार क्यों नहीं किया जा रहा है। व्यापारी देख रहे हैं आशा भरी निगाहों से नगर पालिका की ओर, इतना जल्दी बन के वो तैयार हो ताकि वहाँ पर व्यापार प्रारंभ हो सके। जी, इसमें आप लोगों के बीजेपी का जो उपाध्यक्ष जी है उनकी चुप्पी का मतलब क्या समझे अपन? अब उनकी चुप्पी को तो वही जाने, मगर बतौर हमारे साथी है वो विपक्ष में और उनकी मौन स्वीकृति हमारे साथ रहती है। नहीं, मौन स्वीकृति रहती अलग बात है भाई, मुद्दे की बात पर बात को वो भी रख सकते थे, आखिर नहीं रखने का कारण क्या, रीजन क्या हो सकता है? शायद वो कुछ तैयारी करके ना आए। इसमें तैयारी वाली बात क्या है, जो प्रमाणित में आपके पार्षद महोदय दिखा रहे हैं तो उसमें प्रमाणिकता तो है, दिखाई दे रहा है। अनुभवी पार्षद है, नगर पालिका के उपाध्यक्ष है, उनको विषयों के साथ अपने पार्षदों को संतुष्ट करना चाहिए और इस विषय में उनसे बात करनी। क्या लगता है जिस तरीके से अब आगामी रणनीति क्या रहेगी, जिस तरीके से आगामी रणनीति नगर पालिका अध्यक्ष में अध्यक्ष को घेरना है, अध्यक्ष भ्रष्टाचार में सम्मिलित है, नगर की जनता को बेवकूफ बना रही है, जवाब देने से हट रही है। आप मेरे बाद उनसे बैठ लेके देखिए, वो बैठ नहीं देगी, उसको बोलना भी नहीं आता
और मैं बार बार फिर आपके माध्यम से बोलना बताना चाह रहा हूँ कि मैं किसी महिला या किसी नारी या नारी शक्ति के खिलाफ नहीं हूँ। मेरे घर की भी माँ है, बहन है, मेरी पत्नी है, मैं महिला का बहुत सम्मान करता हूँ। मगर जिस कदर से शकुंतला साहू नगर पालिका बैठ अध्यक्ष बैठ के पार्षदों का अपमान कर रही है, उनकी अवहेलना कर रही है, उनका काम नहीं होने दे रही है और नगर की जनता को बेवकूफ बना रही है। वो जो तीन जो कॉम्प्लेक्स है जिनका बिना रोस्टर का पालन किए उनको स्वीकृति दी, ऐसे क्या कैसे हो सका? देखिए, वर्तमान में महिला समृद्धि बाजार ये बनाना चाह रहे हैं, ये पियर भारत माता चौक के पास, जिसका फिलहाल नगर पालिका परिषद में कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है, उसका आरक्षण रोस्टर पालन नहीं हुआ है। बिना आरक्षण रोस्टर के पालन के उनकी नीलामी करना या उनको वर्कआउट जारी करना संविधान के अधिनियम के खिलाफ है, ये पूर्णतः भ्रष्टाचार। इसमें आप लोग FIR दर्ज करवा सकते, क्यों नहीं? हम तो मैं नगर पालिका अध्यक्ष और CMO से मांग किया हूँ कि मुझे 5 दिवस के अंदर बस स्टैंड की नस्ती सहित बस स्टैंड स्थल का निरीक्षण कराए, उसके बारे में उसकी गुणवत्ता के बारे में बताएं।